शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी सरकार के खिलाफ ही मुखर नजर आ रही है। भोपाल में उन्होंने शराब दुकान के सामने एक मंदिर में डेरा डाल लिया था, जिसके बाद अब वो ओरछा पहुंची और वहां पर शराब दुकान के सामने गौ माता का पूजन कर अपना विरोध जताया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। शराबबंदी पर मुखर उमा भारती, भोपाल के बाद उमा पहुंची ओरछा, शराब दुकान के सामने डाला डेरा, गौ माता का पूजन कर जताया विरोध। शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार को घेरने वाली उमा भारती ने गुरुवार को ओरछा पहुंचकर शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया। यहां पर उन्होंने गौ माता का पूजन कर शराब दुकान के सामने 7 गायों को बांध दिया। शराब नीति में बदलाव के साथ ही उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संदेश दिया है कि अब वह सेवक नहीं शासक बनो। उन्होंने सीएम शिवराज द्वारा हटाए गए निवाड़ी कलेक्टर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। मेरा मुंह भगवान रामराजा सरकार के प्रथम गेट की तरफ है। मेरी अपील है, शराब छोड़ो, दूध पियो। और ये जो दुकान और अहाता यहाँ पर खोला गया, ये यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक जगह के लिए आवंटित था और ये यहाँ के अधिकारियों ने इसको यहाँ जगह दे दी ज्यादा राजस्व की वसूली के लिए। और ये रोड से भी 50 फीट की भी दूरी नहीं है रोड के मेन से इंटरसेस की। सारे नियमों का यहाँ उल्लंघन हुआ। जनता ने विरोध किया, मीडिया ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया और वो सबको डांट पड़ी। लेकिन जब मेरी जानकारी में ये बात आई तो उसके बाद सरकार ने मेरे कहने पे यहाँ नोटिस दिया, तो ये कोर्ट से स्टे लेके आ गए। इसमें मैं यहाँ विधि विभाग की भूल मानती हूँ। उनको कहना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनको इससे मिलने का अधिकार इसलिए प्राप्त हो गया क्योंकि नीति के अंतर्गत उनको ये दुकान आवंटित हो गई थी और फिर बातचीत में नेगोशिएशंस में ये जगह उनको आवंटित हो गई। बात इस दुकान की नहीं है, मध्य प्रदेश में अभी 18,000 दुकानें हैं और 14,000 करोड़ की रेवेन्यू की वसूली है। मैंने तो 4 परामर्श दिए हैं 5 कि शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर की रेडियस की दूरी, धार्मिक सभी धार्मिक स्थानों से 0.5 किलोमीटर की रेडियस की दूरी, सभी मजदूरों की बस्तियों से 0.5 किलोमीटर की रेडियस की दूरी। पर आहाते तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए क्योंकि यातायात के नियमों का उल्लंघन है, शराब पी के गाड़ी चलाना या सड़क के ऊपर चलना। और अदालतों और अस्पतालों से भी 0.5 किलोमीटर की रेडियस की दूरी। मैंने इसमें एक भी बात गलत नहीं कही और इसमें 14,000 करोड़ रेवेन्यू की हानि नहीं है, इसमें 1,000-1,500 करोड़ रेवेन्यू की हानि है। और इस वजह से कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, कितनी महिलाओं का सम्मान संकट में पड़ रहा है। इसलिए ये दुकान अकेली नहीं है, ये 18,000 हैं ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में जो पूरे प्रदेश के भविष्य को झोंक रही हैं और मध्य प्रदेश को शराब के नशे में बहा देंगी। और इसलिए मुझे शिवराज जी ने 2 अक्टूबर को कहा कि वो परिवर्तन करेंगे और पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो 21 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित करना ही पड़ेगा उनको नई नीति का, क्योंकि फिर टेंडर की प्रोसेस में 2 महीने लगते हैं और 1 अप्रैल से नई नीति लागू हो जाएगी। तो मुझे उन्होंने कहा दीदी हमें करनी पड़ेगा, आप परामर्श दे दो। तो मैंने ये पूरे के पूरे 5 परामर्श उनको दे दिए। मैंने कहा इनका आप क्या करोगे, तो बोले कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं इनको इग्नोर करूँ। तो मुझे यकीन है कि अभी 31 को नहीं हुई, फिर मुझे मालूम पड़ा 2 को हो रही है, फिर पता लगा 2 को भी नहीं है। कैबिनेट जब भी हो, मेरे परामर्श जो मैंने दिए हैं वो इतने जनहितैषी हैं कि वो परामर्श लेने चाहिए, उसमें पूरी जनता साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बुधवार की देर शाम ओरछा पहुंची थी। रात्रि 9:30 बजे वह ओरछा से लगी शराब दुकान पर पहुंची और यहीं अलाव जलाकर बैठ गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की आगमन की सूचना पर शराब कारोबारी अपनी दुकान बंद कर चला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, टीकमगढ़।